हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू द द्रोणस। द द्रोणस की इस क्लास में आप सभी लोगों को स्वागत है। सभी लोगों को इस क्लास में वेरी वेरी वेलकम। सभी की क्लास में प्रत्येक सुस्वागत। चलो स्टूडेंट्स, हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। द द्रोणस यूट्यूब चैनल के अंदर में आप लोगों को एवरीडे देखने के लिए मिलता है ये क्लास, जिसका नाम है डेली करंट अफेयर्स डिटेल्स रिव्यूज। ये डेली करंट अफेयर्स डिटेल्स रिव्यू आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। आप लोग ये क्लास एवरीडे जरूर आप लोग इसको लाइव कीजिए, क्योंकि आप लोग जितना आप लोग लाइव करिएगा तो मेरे को और भी अच्छा लगेगा। ये क्लास एवरीडे क्लास लाइव होते हैं आप लोग को रात को 8 बजे, और एकदम ये क्लास आप लोग लाइव कीजिए। और लाइव के साथ साथ मैं आप लोग को बताऊंगा, आप लोग चैट बॉक्स में भी आप लोग आ जाइए और मेरे साथ आप लोग जरूर बताइएगा क्या मेरा बात आप लोग को प्रॉपरली सुनाई दे रहा है, क्या मेरे जो स्क्रीन भी आप लोग को शेयर कर रहा हूँ ये भी आप लोग को प्रॉपर दिखाई दे रहा है क्या। एक बार आप लोग जरूर मेरे को कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा इस टॉप चैट बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं आज का ये जो क्लास, जिस क्लास के जरिए से आप लोग को WBCS, जिस तरह का आपका WBP, जिस तरह का आपका SSC, जिस तरह का आपका RBI, जितना सारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होता है, क्या ये हो आपका गवर्नमेंट एग्जाम हो जाए तो क्या ये स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम हो जाए, जो भी एग्जाम आप लोग दीजिएगा, तो ये क्लास आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इस क्लास के जरिए से आप लोग को सिर्फ करंट अफेयर्स का इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, सिर्फ सब मिल जाएगा, जितना स्टैटिक जीके का भी इन्फॉर्मेशन हो जाता है ये सब का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा इस क्लास के जरिए से। तो चलो स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करते हैं आज के ये क्लास डेली करंट अफेयर्स डिटेल्स रिव्यू, जो एवरीडे रात को 8 बजे देखने के लिए आपको मिलता है ये द्रोणस की यूट्यूब चैनल के अंदर में एकदम फ्री। तो मैं हूं अमित सर, शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का जो क्लास होने वाला है ये 11th अगस्त वाला क्लास होगा। तो चलिए देख लेते हैं आज की क्लास में आप लोगों के लिए क्या क्या क्वेश्चन है, हम लोग तुरंत देख लेते हैं। और ये क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा, आप लोगों को ये क्लास जरूर अच्छा लगेगा तो जरूर आप लोग लाइक शेयर भी कमेंट कर दीजिएगा, और आप लोग दोस्त को लोग को भी बोलिएगा ये क्लास को एवरीडे लाइव देखने के लिए अमित सर के साथ साथ द डेली करंट अफेयर्स डिटेल्स रिव्यू, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आप लोग कॉपी पेन लेके फटाफट बढ़ जाओ, हम लोग देख लेते हैं आज की क्लास के अंदर में आप लोगों के लिए क्या क्या क्वेश्चन है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग आ चुका है आज की क्लास के लिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 1, ये 11th अगस्त के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन से जो आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है क्या ना। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस PMO। तो देखो इस ऑप्शन चारों में क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए में है श्वेता सिंह, ऑप्शन बी में है क्या निहारिका जैन, ऑप्शन सी में है संजय कुमार जैन, ऑप्शन डी में है आपका राजेश गुप्ता। तो आइए आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग बताइए, आ जाइए जल्दी जल्दी एकदम एकदम। सभी लोग को वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो निहाल ने कमेंट किया, कैट ने कमेंट किया, निवा ने कमेंट किया, तो सबने बोला है श्वेता सिंह आंसर बोल रहा है, एकदम सही जवाब आप लोगों ने बोला। ये जो आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन ए का, श्वेता सिंह होगा एग्जैक्टली करेक्टर सही जवाब, आप लोगों ने एकदम सही बात बोला। अभी हम लोग स्टूडेंट्स इसके साथ साथ और क्या इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा ये भी मैं आप लोग को तुरंत स्क्रीन के अंदर में जरूर दिखाऊंगा। देखो जी, इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा ये देखो स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा है क्या, ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अकॉर्डिंग टू द पर्सनल मिनिस्ट्री, द 2008 बैच इंडियन फॉरेन सर्विस IFS ऑफिसर श्वेता सिंह वॉज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस PMO। The appointments committee of the cabinet ACC approved the Singh's appointment at the period of 3 years at the date of her joining. तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन देख कर ही पता लग गया है कौन होगा आपका करेक्ट आंसर और क्या होगा इसका इन्फॉर्मेशन। तो मेरे ख्याल से आप लोग को क्लियर हो चुका है क्या क्या आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, और इसके साथ साथ ये भी आप लोग को मैं बताऊंगा, ये जो प्रीमियर PM ऑफिस होता है ना, PM ऑफिस में बहुत सारा आपका इस तरह से एडवाइजर होता है, तो इसमें आप लोग को जब आपको बताऊंगा इस PM ऑफिस के अंदर ये एक है, उसका नाम है कौन ना प्रिंसिपल सेक्रेटरी। जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी का बात आप लोग को पूछा जाएगा, अभी हाल ही में प्रिंसिपल सेक्रेटरी है कौन, तो लिखिएगा इसका नाम है प्रमोद कुमार मिश्रा। कौन हो तो लिखिएगा आप लोग प्रमोद कुमार मिश्रा। तो ये भी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये भी आप लोग जरूर इसको आप लोग लिख लीजिए। तो मेरे ख्याल से आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल चुका है क्या क्या आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, एकदम ओके। शायद किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है समझने के लिए, एकदम एकदम सही बात आपने बोले, वेरी गुड। और स्टूडेंट्स ये देखो पिक्चर के अंदर में जो आपको दिखाई दे रहा है ये है कौन, नहीं है आपका श्वेता सिंह जो आपको पिक्चर के अंदर में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को क्लियर हो चुका है एकदम ओके। तो चलो अभी हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों के लिए क्या क्या क्वेश्चन है, हम लोग तुरंत स्क्रीन के अंदर में देख लेते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के हम लोग आ चुके हैं, ये भी आज की क्लास 11th अगस्त के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखो इसमें बोला गया है हु हैज रजिस्टर्ड 2.5-1.5 विन द इंडिया अगेंस्ट हंगेरी इन द 4th राउंड मैच ऑफ वोमेन सेक्शन एट द 44th चेस ओलंपियाड।
तो देखिए, इस ऑप्शन ए में है क्रोनियो हम्पी, ऑप्शन बी में है सोमिया स्वामीनाथन, ऑप्शन सी में है आपका इशिता करवी, ऑप्शन डी में है तानिया सचदेव। तो आइए आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। निहाल ने कमेंट किया, कैट ने कमेंट किया, निवा तुम्हें एकदम करेक्ट आंसर बोले छो। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया है, क्या क्या आप लोग को इन्फॉर्मेशन क्या क्या पढ़ना पड़ेगा इसके अंदर में, तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर कौन सा, ऑप्शन डी तानिया सचदेव होगा एकदम करेक्ट और सही जवाब। आप लोगों ने एकदम करेक्ट बात बोला। अभी हम लोग देख लेते हैं इसके साथ साथ और क्या इन्फॉर्मेशन आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखो जी, इन्फॉर्मेशन आप लोग को पढ़ना पड़ेगा क्या, जो आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है ना। तानिया सचदेव हैज रजिस्टर्ड 2.5-1.5 विन इंडिया अगेंस्ट हंगेरी इन द फोर्थ राउंड मैच ऑन वुमेन सेक्शन एट द 44th चेस ओलंपियड इन द मलप्पुरम चेन्नई के अंदर में हुआ है। शी थ्रेस्ड द जोकासा गर्ल टू अर्न द receive a point as well as match and team. The Kronu Hampi is the Naduravalli Harika and R. Vaishali ended the draw of their respective of the encounters के अंदर में ये आपको मिल जाएगा। एकदम सही बात आप लोगों ने बोला, वेरी वेरी गुड, एकदम प्रॉपर आपने आंसर बोला। और स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा, ये जो आपका जो तानिया सचदेव है, ये तानिया सचदेव एक वुमेन ग्रैंड मास्टर है जो किसके अंदर में पढ़ती है, फाइट के अंदर में पढ़ती है। किसके अंदर में पढ़ती है जब आपको पूछा जाएगा, ये आपका फाइट मतलब ये जो होता है आपका इंटरनेशनल चेस का जो फाइट जो चेस के अंदर में पढ़ती है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में इसको फाइट बोला जाता है, ठीक है। और इस फाइट वुमेन टू टाइम्स ये वर्ल्ड चैंपियनशिप भी हुआ था। कौन सा ईयर में, ये दो बार चैंपियनशिप हुआ है वर्ल्ड चैंपियनशिप, एक हुआ था 2006 में और एक हुआ था 2007 में। तो ये दो इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग जरूर इसको लिखिएगा। वेरी गुड, एकदम क्लियर हो चुका है, एकदम सही बात बोला निहाल आपने। और इसके साथ साथ जब आप लोग को पूछा जाएगा फाइट का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है फाइट, तो ये लिखिएगा एस्टैब्लिशमेंट, लिखिएगा 1924 में इसका हुआ है एस्टैब्लिशमेंट। तो ये भी बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स, आप लोग इसको जरूर कॉपी कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ जब आपको ये भी पूछा जाएगा फाइट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जब हेडक्वार्टर का बात आएगा तो ये होगा आपका लुशाने इन स्विट्जरलैंड, मतलब लुशाने जो जगह पर है स्विट्जरलैंड के अंदर में इसका हेडक्वार्टर भी है। तो स्टूडेंट्स आप लोग को एकदम क्लियर हो चुका है, किसी को भी दिक्कत नहीं है। और ये जो आपका हंगेरी हुआ है ना, हंगेरी का जब आपको पूछा जाएगा हंगेरी का कैपिटल कौन है, तो कैपिटल होगा आपका बुधापेस्ट। क्या होगा, तो जिसको नहीं पता आप लोग जरूर इसको कॉपी कर लीजिएगा, बुधापेस्ट है आपका हंगेरी का कैपिटल। तो मेरे ख्याल से आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल चुका है, क्या इसके अंदर में आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। और मैं सभी लोगों को बोलूंगा भाई आप लोग आ जाओ भाई जल्दी जल्दी चैट बॉक्स के अंदर में, जितना जल्दी हो सकते आप लोग आ जाओ और एक एक करके आप लोग कमेंट करो क्या होगा सही और करेक्ट आंसर। और जिन जिन जो ये क्लास आप लोग लाइव वॉच कर रहे हो ना, एक एक करके सभी लोग एक एक करके लाइव ठोक दो, तो मेरे ख्याल से आप लोग को मेरे को प्रॉपरली आंसर मिल जाएगा कितना जो क्लास आप लोग लाइव कर रहे हो, ठीक है। तो आप लोग जल्दी जल्दी कर दो इसको, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल चुका है क्या क्या आप लोग को इसके अंदर में पढ़ना पड़ेगा, ओके। और इसके साथ साथ आप लोग ये देखो पिक्चर के अंदर में जो आप लोग दिखाई दे रहा है, ये है कौन ना, ये आपका तानिया सचदेव है, ठीक है। तो एकदम क्लियर सब लोग को, किसी को शायद दिक्कत और परेशानी की बात नहीं है, सभी इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिल चुका है। जब आप लोग को पूछा जाएगा इंडिया का फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन है, तो फर्स्ट जीएम का बारे में जब आप लोग को पूछा जाएगा ग्रैंड मास्टर, तो ये है कौन ना, ये है आपका विश्वनाथन आनंद। तो ये अभी आप लोग लिख लीजिएगा, विश्वनाथन आनंद है इंडिया का फर्स्ट ग्रैंड मास्टर, जो इसको सबसे पहले इन द ईयर ऑफ 1992 में मिला था, क्या ना मिला था, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जो इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड भी बोला जाती है। क्या बोला जाती है, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इसको मिला था, जो इंडिया का हाईएस्ट क्या ना स्पोर्ट्स अवार्ड भी बोला जाती है। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर टू आप लोग को एकदम क्लियर हो चुका है, किसी को भी दिक्कत और परेशानी की बात नहीं है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री के अंदर में, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर थ्री में भी हम लोग आ चुके हैं, ये भी आज की क्लास के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या जो 11 अगस्त के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इसमें पूछा गया है जो क्या एकदम विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अलाउड द इनवॉइसिंग एंड पेमेंट्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडियन रूपी इन अगस्त 2022। तो देखो इस ऑप्शन ए में है सेबी, ऑप्शन बी में है आपका आरबीआई, ऑप्शन आपका बी में है आपका मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन डी में है आपका आईआरडीआई। तो आइए आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें संजोग छेत्री ने कमेंट किया, इसमें देखा जाए तो निवा मंडल ने कमेंट किया, शिवा ने, निहाल ने कमेंट किया, अनिकेत ने भी कमेंट किया और कैट ने भी कमेंट किया। और भी लोग आ जाओ भाई कमेंट करो फटाफट, आ जाओ भाई जल्दी जल्दी चैट बॉक्स के अंदर में कमेंट करो। तो एकदम सही बात, जिन जिन लोग आप लोगों ने ऑप्शन बी बोला ना, तो एकदम करेक्ट आंसर बोला, ये होगा आपका आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा सही और करेक्ट आंसर। और स्टूडेंट्स इसके साथ साथ आप लोग को और क्या इन्फॉर्मेशन भी पढ़ना पड़ेगा, ये भी मैं तुरंत स्क्रीन के अंदर में आप लोग को दिखाऊंगा। देखो जी इन्फॉर्मेशन आप लोग को पढ़ना पड़ेगा जो आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, क्या
देखो ना, भगवत किशोर प्रसाद द यूनियन मिनिस्टर द स्टेट ऑफ फाइनेंस इन्फॉर्म द राज्यसभा दैट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हैज परमिटेड द फॉरेन ट्रेड इनवॉइसेस एंड पेमेंट्स टू बी मेड इन द इंडियन रूपी बाय द मीन्स ऑफ अ सर्कुलर टाइटल इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट इन द इंडियन रूपी, जिसको INR बोला जाती है, दैट वॉज द पब्लिश्ड इन July 11, 2022. The central bank has permitted the payments for international trade in the Indian currency के अंदर में ही काम करेगा. तो मेरे ख्याल से आप लोग को एकदम क्लियर हो चुका है. यस, एकदम करेक्ट बात आप लोगों ने जो आंसर बोला, वेरी वेरी गुड, एकदम करेक्ट. और स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा, आरबीआई जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ ना, कब ना, आरबीआई का जब पूछा जाएगा आपका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो आप लोग को सभी को पता है ये हुआ था आपका 1 अप्रैल में एस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ है, और 1935 में. तो ये 1935 में आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है एकदम. और ये जो एस्टेब्लिशमेंट के होने के बाद आरबीआई अभी हाल ही में जो इंडियन करेंसी है ये इसको कंट्रोल भी कर रहे हैं. कौन? आरबीआई बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो स्टूडेंट्स, आप लोग को शायद इन्फॉर्मेशन मिल चुका है क्या क्या इसके अंदर में आप लोग को पढ़ना पड़ेगा. ओके, तो आप लोगों को मेरा बात एकदम क्लियर हो चुका है क्या आप लोग को इसके अंदर में पढ़ना पड़ेगा एकदम. ओके, और स्टूडेंट्स, अब आप लोग को पूछा जाएगा आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ है. तो आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ है आपका 1 जनवरी इन 1949 में. तो 1949 में आरबीआई का क्या हुआ था? नेशनलाइजेशन भी हुआ था. और जब आपका पूछा जाएगा आरबीआई का फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन है, तो जब फर्स्ट इंडियन गवर्नर के बारे में आप लोग को पूछा जाएगा आरबीआई का, तो ये होगा आपका कौन ना, लिखिएगा डॉक्टर C.D. देशमुख. तो ये भी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये भी आप लोग जरूर लिखिए. और जब आप लोग को पूछा जाएगा आरबीआई का गवर्नर कौन है अभी हाल ही में प्रेजेंट गवर्नर, तो प्रेजेंट के बारे में जब पूछा जाएगा तो लिखिएगा आपका शक्तिकांत दास. कौन होगा? तो लिखिएगा आपका शक्तिकांत दास. तो मेरे ख्याल से आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल चुका है क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप लोग को इसके अंदर में पढ़ना पड़ेगा एकदम. तो स्टूडेंट, आप लोग को एकदम ओके क्लियर हो चुका है क्वेश्चन नंबर 3. और ये देखो स्टूडेंट, जो पिक्चर के अंदर में आप लोग को दिखाई दे रहा है ये किसका लोगो है, ये तो सभी लोग को पता है, ये आरबीआई का भी लोगो है. ठीक है, तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को क्लियर हो चुका है. तो चलिए हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर में. और 4 में आने के पहले आप लोग को मैं दिखा दूंगा द दो इन्फॉर्मेशन क्या, आप लोग खुद ही देख लो. ये जो पिक्चर के अंदर में आप लोग को दिखाई दे रहा है ये है द ड्रोनस ऐप. इस ऐप को आप लोग प्रॉपरली डाउनलोड कीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से, क्योंकि इस ऐप के जरिए से द ड्रोनस की तरफ से जितना सारा ऑनलाइन मॉक एग्जाम होता है ये सारा ऑनलाइन मॉक एग्जाम आप लोग घर पे बैठ के दे सकते हो, तो इसलिए आप लोग इसको जल्दी जल्दी डाउनलोड कर लो. और स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ द ड्रोनस का एक दूसरा भी ऐप है जिसका नाम है एडू पॉइंट ऐप. तो इस एडू पॉइंट ऐप में आपको क्या फैसिलिटी मिलेगा, जिस तरह से एवरीडे रात को ठीक 8 बजे द ड्रोनस की यूट्यूब चैनल के अंदर में फ्रीली अमित सर के साथ देखने के लिए मिलता है द डेली करंट अफेयर्स डिटेल्स रिव्यू, इसको छोड़ करके बाकी जितना और सेशंस और क्लासेस होता है ना, इसको देखने के लिए आपको डाउनलोड करने पड़ेगा जिसका नाम द एडू पॉइंट ऐप. इस ऐप को आप लोग डाउनलोड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर में, नहीं तो आप लोग को इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे में इसका लिंक आपको मिल जाएगा. और ठीक उसके नीचे में स्टूडेंट्स एक और भी लिंक मिलेगा जिसका नाम है द ड्रोनस का टेलीग्राम चैनल. तो इस चैनल को भी आप लोग प्रॉपरली डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आप लोग को इस क्लास का PDF आप लोग को तुरंत मिल जाएगा. और इसके साथ साथ कोई भी नया नोटिफिकेशन आपका पब्लिश होगा तो इसका भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम में आप लोग को मिल जाएगा इस ऐप के अंदर से. तो इसलिए मैं आप लोग को बताऊंगा स्टूडेंट्स, इस तीनों ऐप लोग को आप लोग फटाफट डाउनलोड कर लो. और डाउनलोड करने के लिए किसी को भी कुछ दिक्कत और परेशानी होगा तो मैं आप लोग को बताऊंगा, इस नंबर में एकदम आप लोग एक बार कॉल भी कर लेना. तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल चुका है आप लोग को क्या क्या इसके अंदर में करना पड़ेगा. क्लियर, तो समझ में आप लोग को आ गया है क्या आप लोग करना पड़ेगा. तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर में. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आज की क्लास के लिए आप लोगों के लिए क्या क्या क्वेश्चन है. तो चलिए हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर में. ये भी आज की क्लास 11th आपका अगस्त के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. देखो इसमें बोला गया है क्या ना, बोला गया है तुलिका मन हु विन सिल्वर मेडल इन द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 इज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, कौन सा स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है. तो देखिए इस ऑप्शन ए में है क्या, ऑप्शन ए में है आपका बैडमिंटन, ऑप्शन बी में है आपका टेबल टेनिस, ऑप्शन सी में है आपका वेट लिफ्टिंग एंड ऑप्शन डी में है आपका स्क्वाश. तो आइए आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है, आप लोग कमेंट करके फटाफट बताइए. तो मेरे ख्याल से आप लोग को शायद आंसर मिल चुका है, क्या नहीं मिला है, सभी लोगों ने ऑप्शन सी वेट लिफ्टिंग बोल रहा है. तो मेरे ख्याल से ये जो आंसर एकदम 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 सही नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो आपका आंसर होगा ये मेरे ख्याल से एक ऑप्शन मेरा देने के लिए थोड़ा गलत हो गया है. सी नहीं होगा निहाला दीवा, ये होगा आपका जूडो, मतलब ऑप्शन ई करके एक ऑप्शन मेरे को डालना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा आपको जूडो. तो ये होगा आपका ऑप्शन ई एकदम करेक्ट और सही जवाब. ठीक है,
और स्टूडेंट्स इसके साथ साथ आप लोग को और क्या इन्फॉर्मेशन भी पढ़ना पड़ेगा, ये भी मैं तुरंत स्क्रीन के अंदर मैं आप लोग को दिखाऊंगा। देखो जी इन्फॉर्मेशन आप लोग को पढ़ना पड़ेगा क्या, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। द इंडियन जूडो का तुलिका मान द सेटलमेंट द सिल्वर मेडल इन द वोमेन 78 kg कैटेगरी इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। तुलिका मान गेट्स द इंडियन सेकेंड सिल्वर मेडल इन जूडो, द थर्ड ओवरऑल in the judo, as the she concerned the defeated by the Ippon Scotland and the Sarah Alintong in the women's plus 78 kg in final match ka hara hua hai। Ekdam sahi baat apne bola, kya liye 22nd edition ki games hua hai, ekdam sahi baat apne bola, very very good। To mere kal se students aap log ko ye padh ke information samajh mein already aa chuka hai, aap log ko kya kya information padhna padega। Aur iske sath sath ye dekho picture ke andar mein aap log ko jo dikhai de raha hai ye hai kya, na Tulika Mann ka jo picture aapko dikhai bhi de raha hai, ठीक है। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को एकदम प्रॉपरली क्लियर हो चुका है। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आज की क्लास के लिए आप लोगों के लिए क्या क्या क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 में भी हम लोग आ चुके हैं, ये भी आज की क्लास मतलब 11th अगस्त के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इसमें बोला गया है क्या, ना तेजस्विन शंकर ओन द इंडियन फर्स्ट मेडल इन एथलेटिक्स एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 by the clinching and the historic bronze with of the following sports। देखिए इस ऑप्शन ए में है मेंस हाई जंप फाइनल, बी में है मेंस लॉन्ग जंप फाइनल, सी में है जूडो और डी में है स्क्वाश। तो आइए आप लोग कमेंट करके बताइए इसका सही और करेक्ट आंसर आप लोगों को क्या लग रहा है, आइए भाई कमेंट करके बताइए। तो देखा जाए तो संजुक छेत्री ने कमेंट किया, निहल सुब्बा ने कमेंट किया और बाकी लोग भी आ जाओ भाई कमेंट करो फटाफट आकर कमेंट करके बोलो क्या होगा प्रॉपर और करेक्ट आंसर। तो एकदम सही बात आप लोगों ने बोला, ये हो जाएगा क्या ना मेंस हाई जंप फाइनल, मतलब ऑप्शन ए होगा एकदम करेक्ट और सही जवाब। यस नीमा मंडल तुम्हें एकदम करेक्ट आंसर बोले छो। अभी हम लोग इसके साथ साथ पढ़ेंगे और क्या इन्फॉर्मेशन आप लोग इसके साथ पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ना पड़ेगा इसके इसके अंदर में। तो देखो जी इन्फॉर्मेशन आप लोग को पढ़ना पड़ेगा जो आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है क्या, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। द इंडियस तेजस्विन शंकर ओन द इंडियन फर्स्ट मेडल इन एथलेटिक्स एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बाय द क्लिंचिंग एंड हिस्टोरिक ब्रॉन्ज इन द मेन्स हाई जंप फाइनल। तेजस्विन द कंप्लीटिंग फॉर द इंडियास फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द 4 years नेल्ड लैंडिंग 2.22 meter एंड सिक्योर्ड द पोडियम फाइनल। ही डिड द नॉर्थ ईस्ट ट्रेवल क्लियरिंग द 2.5 meter एंड 2.10 meter द ओपनिंग टू जम्प्स, देन द 2.19 एंड 2.22 meter क्वाइट द इजिली the first try। तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन देखकर पढ़ के भी समझ में आ चुका है क्या क्या इसके अंदर में आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग को क्लियर हो चुका है क्या क्या आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। और ये तेजस्विनी शंकर जो हाल ही में इसका बॉर्न हुआ है 1998 में 21 दिसंबर, जिसमें आप लोग को ये में बहुत सारा गेम्स में ये पार्टिसिपेट ऑलरेडी कर चुका है, जिससे 2015 में कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स में पार्टिसिपेट हुआ था, 2015 में पार्टिसिपेट हुआ था, ये भी आप लोग लिखेगा 2015 में कॉमनवेल्थ गेम्स में यूथ में ये पार्टिसिपेटेड हुआ था। और उसके साथ साथ 2016 में भी एक गेम में पार्टिसिपेट हुआ था, कौन सा ना, ये होगा आपका साउथ एशियन गेम्स, क्या होगा ना साउथ एशियन गेम्स, तो इसमें भी ये पार्टिसिपेट भी हुआ था। यस ये एकदम यस आई गेस नहीं, एकदम निहल आपने सही बात बोला, ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती है, एकदम सही बात आप लोगों ने बोला। और ये देखो जो पिक्चर के अंदर में आप लोग को दिखाई दे रहा है ये है कौन, ये है आपका तेजस्विन शंकर, एकदम ये आपने सही बात बोला, ये वेस्ट बंगाल से ही बिलोंग करती है। तो स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को क्लियर हो चुका है। तो चलिए हम लोग तुरंत आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या 6 के अंदर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी क्लास के लिए, आज की क्लास के लिए आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6 में भी हम लोग आ चुके हैं, ये भी आज की क्लास 11th अगस्त के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखो इसमें बोला गया क्या, इंडियास डैश हैज क्लिंच्ड द ब्रॉन्ज मेडल इन स्क्वाश मेन सिंगल्स। देखिए ऑप्शन ए में दिया है हरिंदर पाल साधु, ऑप्शन बी में दिया है आपका महेश मंगुस्कर, ऑप्शन सी में है आपका रमित टंडन, ऑप्शन डी में आपका सौरभ घोषाल। आइए आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा। प्रियंका तमन बहुत देर में क्लास में क्यों, जल्दी आ जाओ यार। प्रियंका जोस्ना जोस्ना बहुत दिन के बाद क्लास कर रहे हो, वेलकम जोस्ना। जोस्ना प्रियंका सबने ऑप्शन डी बोला, कैट ने भी ऑप्शन डी बोला, निवा ने भी ऑप्शन डी बोला, एकदम सही बात ये होगा आपका कौन सा ऑप्शन डी मतलब सौरभ घोषाल ही होगा एकदम करेक्ट और सही जवाब, वेरी वेरी गुड। और स्टूडेंट्स इसके साथ साथ आप लोग को और क्या इन्फॉर्मेशन भी पढ़ना पड़ेगा, ये भी मैं तुरंत स्क्रीन के अंदर मैं आप लोग को दिखाऊंगा क्या पढ़ना आपको पड़ेगा। देखो जो आप लोग को पढ़ना पड़ेगा क्या, जो आपको पिक्चर के अंदर में दिखाई दे रहा है क्या, इंडिया सौरभ घोषाल हैज क्लिंच्ड द ब्रॉन्ज मेडल स्क्वाश मेंस सिंगल बाय द बीटिंग द जेम्स विल्स्टन ऑफ इंग्लैंड 11-6 11-1 11-4 टू टेक इंडियन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022।
This was also the Indian first ever medal in squash singles in the games. He had lost the men's singles semi-final 3-0, 11-9, 11-4, 11-1 and New Zealand पॉल कॉल के अंदर को हराया था। एकदम सही बात आप लोगों ने बोला, वेरी वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स आप लोग को एकदम क्लियर हो चुका है क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप लोग को इसके अंदर में पढ़ना पड़ेगा, क्लियर एकदम। और ये जो सौरभ घोषाल, ये भी वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, कोलकाता से बिलोंग करते हैं सौरभ घोषाल। ये वर्ल्ड 10 रैंकिंग आपका स्क्वाश प्लेयर है, वर्ल्ड का 10 रैंकिंग, ठीक है। मैं इस तरह से मैंने लिख दिया, ये भी आप लोग के लिए काम हो जाएगा। तो वर्ल्ड 10 रैंकिंग स्क्वाश प्लेयर है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स आप लोग को क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को क्लियर हो चुका है एकदम प्रॉपरली। और इसके साथ साथ ये देखो जो पिक्चर के अंदर में दिखाया जा रहा है, ये है कौन, ये है आपका सौरभ घोषाल। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स क्वेश्चन 6 क्लियर हो चुका है। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर भी। और 7 के आने के पहले आप लोग खुद ही देख लो द ड्रोन्स ने हाल ही में क्या अचीवमेंट किया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग को देखकर ही पता लग गया है द्रोणस ने क्या हाल ही में अचीवमेंट किया है एकदम। तो आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में। तो ये भी आज की क्लास आपका 7 अगस्त के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखो इस ऑप्शन में बोला गया है क्या, व्हिच इंडियन फर्म हैज टॉप्ड रैंक्ड कंपनी इन द 2022 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट अमंग अदर इंडियन कॉर्पोरेटर्स। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए में है क्या, LIC, ऑप्शन बी में है रिलायंस, ऑप्शन सी में है टाटा स्टील एंड ऑप्शन डी में है आपका ONGC। तो आइए आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए इसमें जो होने वाला है, इसमें देखा गया है चार ऑप्शंस, ऑप्शन ए में है LIC, ऑप्शन बी में है रिलायंस, ऑप्शन सी में है टाटा स्टील, ऑप्शन डी में आपका ONGC। तो आइए आप लोग कमेंट करके बताइए। तो देखा जाए तो निहाल, कैट, ज्योत्सना, प्रियंका सभी लोगों ने कमेंट किया, निवा ने भी कमेंट किया, एकदम सही बात आप लोगों ने बोला। इसका जो प्रॉपर आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन ए, LIC होगा एकदम करेक्ट और सही जवाब, वेरी वेरी गुड। और स्टूडेंट्स इसके साथ साथ आप लोग को और क्या इन्फॉर्मेशन भी पढ़ना पड़ेगा, ये भी मैं तुरंत स्क्रीन के अंदर में आप लोग को जरूर दिखाऊंगा। देखो जो इन्फॉर्मेशन आप लोग को पढ़ना पड़ेगा क्या, जो आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, इंडियन स्टैट्यूटरी इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन LIC इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC हैज ब्रोकन द लेटेस्ट द फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट इन द नेशन बिगेस्ट लाइफ इंश्योरेंस एंड द रेवेन्यू $97.26 billion एंड द प्रॉफिट $553.8 million was the rank 98 on the just released the Fortune 500 list. This is the final outing the LIC on the list, which rank listed the companies by the sales. The students, मेरे ख्याल से आप लोग को information मिल चुका है एकदम correct. तो इसका answer क्या होगा, तो ये होगा LIC, आप लोग को देखकर ही पता लग गया है। और LIC का establishment जब आपको पूछा जाएगा ये कब हुआ है, कौन बोल पाएगा, तो ओ अच्छा अच्छा ऑप्शन ऑलरेडी आ चुका है। तो LIC establishment कब हुआ है, तो establishment की जब बात आएगा तो लिख लेना ये हुआ है आपका 1956 में, एकदम सही बात आप लोगों ने बोला, 56 में हुआ है एकदम करेक्ट। और स्टूडेंट्स जब आप लोग को पूछा जाएगा LIC का हाल ही में चेयरपर्सन कौन है, तो जब चेयरपर्सन का बात आएगा LIC का, तो ये लिखिएगा होगा आपका MR कुमार, क्या होगा ना, MR कुमार होगा एकदम करेक्ट और सही बात, ठीक है। और जब आप लोग को पूछा जाएगा ये LIC आपका 56 में एस्टेब्लिश हुआ है, शायद मेरा डेट अभी भी याद है, 1 सितंबर भी है, ये भी आप लोग लिख लेना 1 सितंबर। और इसका जब हेडक्वार्टर आप लोग को पूछा जाएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है भाई, इसका हेडक्वार्टर तो भी ये लिखिएगा, इसका है आपका मुंबई महाराष्ट्र के अंदर में इसका हेडक्वार्टर। तो मेरे ख्याल से आप लोग को शायद इन्फॉर्मेशन मिल चुका है क्या क्या आप लोग को इसके अंदर में पढ़ना पड़ेगा एकदम, ओके क्लियर स्टूडेंट्स एकदम। तो मिल चुका है आंसर। और ये देखो जो पिक्चर आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है किसका लोगो है, तो ये LIC का है, ये तो सभी को आप लोग को मालूम है। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग को एकदम क्लियर हो चुका है, किसी को डाउट और दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर में चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के लिए क्या क्या क्वेश्चन है, हम लोग तुरंत स्क्रीन के अंदर में देख लेते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 में भी हम लोग आ चुका है, ये भी आज की क्लास के लिए मतलब 11 अगस्त के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखो इसमें बोला गया है क्या, The 18 Indian US Joint Military Exercise Youth Abhyas is scheduled to be held in October 2022 in which state of India? तो देखो इस ऑप्शन ए में बोला गया है राजस्थान, ऑप्शन बी में बोला गया है आपका हरियाणा, ऑप्शन सी में है आपका उत्तराखंड, ऑप्शन डी में है आपका तेलंगाना। तो आइए आप लोग कमेंट करके बताइए, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारा लोगों ने कमेंट किया एकदम सही बात आप लोगों ने बोला, ये हुआ है आपका कहां पर, ऑप्शन सी उत्तराखंड में हो गया, यस यस एकदम सही बात आप लोगों ने बोला, ऑप्शन सी होगा एकदम करेक्ट और सही बात एकदम एकदम। और स्टूडेंट्स इसके साथ साथ और क्या इन्फॉर्मेशन आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, ये भी मैं तुरंत स्क्रीन के अंदर में आप लोग को जरूर दिखाऊंगा स्टूडेंट्स क्या पढ़ना पड़ेगा आप लोग को। देखो जो चीज आप लोग को पढ़ना पड़ेगा क्या, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, द इंडियन आर्मी एंड US आर्मी विल कंडक्ट द 18th edition ऑफ द 4-night long mega military exercise Youth Abhyas
फ्रॉम अक्टूबर 14 टू 31 2022 ये आवली में हुआ है इन उत्तराखंड में. द एक्सरसाइज इज एम टू एनहेंसिंग द अंडरस्टैंडिंग द कोऑपरेशन एंड इंटर कॉम्पिटेबिलिटी बिटवीन द टू आर्मीज. The previous edition of the exercise took place the Alaska at US in October 2021 में हुआ है. तो एकदम सही बात. जिन जिन लोग आप लोगों ने ऑप्शन सी आंसर किया है ना, आप लोग एकदम करेक्ट आंसर बोला, एकदम मेरे को और भी अच्छा लगा. ये एकदम करेक्ट आंसर. और ये जो एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज आपका शुरू हुआ था कब से? तो ये एक्सरसाइज आपका शुरू हुआ था इन द ईयर ऑफ 2016 में. कब शुरू हुआ था? 2016 में ये एक्सरसाइज शुरू हुआ था. तो ये लिए आप लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट है. यस 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 एलवर लॉन्गेस्ट रेंज अलास्का नॉर्थ अमेरिका में. यस ये एक का लॉन्गेस्ट रेंज भी है. एकदम सही बात आप लोगों ने बोला. वेरी गुड. और ये देखो जो पिक्चर के अंदर में आप लोगों को दिखाई दे रहा है किस तरह से यूएस के साथ इंडिया का ये युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज भी हो रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है. ठीक है एकदम. तो मेरे ख्याल से आप लोग को क्लियर हो चुका है किस तरह से हेल्ड होगा. तो ये आपको दिखाई दे रहा है ऑलमोस्ट टाइलाइज 7 countries. एकदम सही बात आपने बोला निहाल. वेरी वेरी गुड. चलो भाई हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर में. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है, हम लोग तुरंत स्क्रीन के अंदर में जरूर देख लेते हैं. चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग आ चुके हैं. ये भी आज की क्लास के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 11th August के लिए. देखो इसमें बोला गया है द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इज सून टू बी बिल्ट इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया. तो देखिए इस ऑप्शन ए में है तमिलनाडु, ऑप्शन बी में है हरियाणा, ऑप्शन सी में है आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी में है आपका गुजरात. तो आइए आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है. सब लोग कोशिश कीजिए, सभी लोग कोशिश कीजिए. देखो ऐसी कोई बात नहीं, गलती हो जाएगा तो इसमें कोई इशू नहीं, सभी लोग कोशिश करो. तो एकदम सही बात बोला जिन जिन लोग ऑप्शन सी बोला, एकदम करेक्ट. ये खंडवा में हुआ है, मतलब ऑप्शन सी मध्य प्रदेश होगा. एकदम करेक्ट और सही जवाब. वेरी वेरी गुड. और स्टूडेंट्स के साथ साथ आप लोग को और का इन्फॉर्मेशन भी पढ़ना पड़ेगा. ये भी मैं तुरंत स्क्रीन के अंदर मैं आप लोग को दिखाऊंगा. देखो जी इन्फॉर्मेशन आप लोग को पढ़ना पड़ेगा क्या, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है. द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इज गोइंग टू बिल्ड द खंडवा इन द मध्य प्रदेश व्हिच इज एम्स टू इंक्रीज द पावर जनरेशन कैपेसिटी टू द सेंट्रल स्टेट मध्य प्रदेश इन एड्रेस द इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम इन द रीजन. अ फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ग्रोइंग द बिल्ड द खंडवा व्हिच will generate the 600 megawatt power in 2022-23 में ये काम करेगा. तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स आप लोग के इन्फॉर्मेशन देख कर ही पढ़ के समझ में आ चुका है आप लोग को क्या क्या इसके अंदर में पढ़ना पड़ेगा. ठीक है एकदम. जब एक मध्य प्रदेश का बात जब आएगा तो आप लोग को मालूम है मध्य प्रदेश का कैपिटल कौन है, तो ये होगा आपका भोपाल. और मध्य प्रदेश का आप लोग को जब पूछा जाएगा सीएम कौन है, तो ये सबको पता है ये है कौन ना, शिवराज सिंह चौहान. शिवराज सिंह चौहान इसका सीएम. तो ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप लोग को सबको इन्फॉर्मेटेंट पता है. नेक्स्ट जब आप लोग को पूछा जाएगा ना मध्य प्रदेश का गवर्नर कौन है, तो गवर्नर का जब बात आएगा आप लोग को तो मालूम है ये होगा आपका एमसी पटेल. तो ये एमसी पटेल है मध्य प्रदेश का गवर्नर. एकदम सही बात बोला आप लोगों ने निहाल, निवा सभी लोगों ने एकदम प्रॉपरली. ओके और ये देखो जो पिक्चर के अंदर में दिखाई दे रहा है, ये देखो आपका फ्लोटिंग जो अभी बन चुका है आपके खंडवा के अंदर मध्य प्रदेश में, ये भी आप लोग को पिक्चर के अंदर में दिखाई दे रहा है. तो स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को क्लियर हो चुका है. तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर में. और 10 में आने के पहले आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन मैं दिखा दूंगा, आप लोग खुद ही देख लो. ये जो स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा है ये एक बुक है जिसका नाम है द गेम चेंजर, जो हाल ही में द ड्रोनर्स की तरफ से ये पब्लिश हुआ है. तो ये बुक इतना बढ़िया बुक है, ये बुक एक यूनिक प्रैक्टिस सेट है फॉर डब्ल्यूबीसीएस प्रीलिम्स के लिए, जहां पर आप लोग को 20 फुल मॉकलन सीरीज डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा, जहां पर आपको 5 प्रीवियस ईयर का डब्ल्यूबीसीएस का क्वेश्चंस उसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा इस बुक के अंदर में. तो इस बुक से 2022 का जो डब्ल्यूबीसीएस का प्रीलिम्स एग्जाम्स हुआ था ना, इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस कॉमन आया था. तो इसलिए मैं आप लोग को बताऊंगा आप लोग 2023 डब्ल्यूबीसीएस के लिए ये बुक जरूर खरीद लीजिए, प्रीलिम्स के लिए आप लोग के लिए काम आ जाएगा. और ये बुक दो वर्षन में अवेलेबल है, एक इंग्लिश वर्षन और एक बंगाली वर्षन. तो जो जो वर्षन आप लोग चाहिए आप लोग जरूर खरीद लीजिए, क्योंकि ये बुक अभी भी ऑनलाइन में अवेलेबल है, जिसमें आप लोग को फ्लिपकार्ट के अंदर में ये बुक मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर. ठीक है. और एक और बात स्टूडेंट मैं आप लोग को बताऊंगा, जितना चाहे आप लोग का सब्सक्राइबर हो इस द्रोणस के यूट्यूब चैनल के अंदर में, तो इसमें आप लोग जो लोग सिलीगुड़ी का जो स्टूडेंट्स हो द्रोणस का, तो आप लोग एक काम कीजिए सिलीगुड़ी में जाकर इस बुक को खरीद लीजिए, तो आपको मिल जाएगा 20% डिस्काउंट. और जिन जिन लोग ये क्लास एवरीडे लाइव वॉच करते हो द्रोणस का स्टूडेंट्स नहीं हो, एक काम करो आप लोग पहले आप लोग इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करो. सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग मेरा नाम लो. मेरा नाम क्या है ना, मेरा नाम है अमित सर. आप लोग को पता है अमित सर ये क्लास डेली करंट अफेयर्स डिटेल्स रिव्यू एवरीडे आप लोग को कराते हैं रात को 8 बजे. मेरा नाम लेकर किसी भी नंबर में कॉल करो तो आप लोगों को भी कुछ ना कुछ डिस्काउंट जरूर मिल जाएगा. तो स्टूडेंट्स आप लोग को समझ में आ चुका है क्या करना पड़ेगा. तो चलिए आते हैं आज की लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन को लेकर, क्वेश्चन नंबर 10. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आज की क्लास के लिए आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है. ये भी
11th अगस्त के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. देखो पूछा गया है क्या, विच कंट्री विल होस्ट द इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट IDFWDS 2022 मनाया गया है. तो देखिए ऑप्शन ए में है जापान, सॉरी ऑप्शन ए में इंडिया, बी में है जापान, सी में है साउथ कोरिया और डी में है आपका मलेशिया. तो आइए आप लोग कमेंट करके फटाफट बोलिए इसका सही आंसर क्या होगा, बराबर आप लोग बोलिए. वेरी गुड वेरी गुड. जिससे निहाल, ज्योत्सना, प्रियंका, संजोक, निवा सभी लोगों ने ऑप्शन एकदम करेक्ट बोला. ये होगा आपका ऑप्शन ए जापान होगा, सॉरी सॉरी ऑप्शन ए इंडिया होगा. एकदम करेक्ट और सही बात, वेरी वेरी गुड. और स्टूडेंट्स इसके साथ साथ आप लोग को और क्या इन्फॉर्मेशन भी पढ़ना पड़ेगा, ये भी मैं तुरंत स्क्रीन के अंदर में आप लोग को जरूर दिखाऊंगा क्या पढ़ना पड़ेगा आपको. देखो जो इन्फॉर्मेशन आप लोग को पढ़ना पड़ेगा ये देखो स्क्रीन पर आप लोग के लिए हाजिर है. द इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड समिट IDFWDS 2022 इज शेड्यूल्ड इन हेल्ड इन न्यू दिल्ली सेप्टेम्बर 2012. इंडिया विल टुक द इम्प्रूव द पर एनिमल मिल्क प्रोडक्टिविटी बाई द ड्रॉइंग नेशंस फ्रॉम एडवांस नेशंस. करंटली द वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर विथ अबाउट 2010 million tons of production per year, and India lags behind of many advanced countries in dairy productivity के अंदर में ये काम करेगा. तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स आप लोग को इन्फॉर्मेशन पता लग गया है क्या क्या इसके अंदर में आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, एकदम ओके. और ये जो इंटरनेशनल डेयरी जो कांग्रेस ये पहले इसको होस्ट किया था, तो ये कब से होस्ट करना स्टार्ट किया था, तो लिखिएगा 1974 में ये होस्ट करना स्टार्ट किया था. ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल चुका है. यस यस, जब आप लोग को पूछा जाएगा जे वेयर लोकेटेड द डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, तो ये होगा आपका कर्नल. कहां पर है? कर्नल इन हरियाणा के अंदर में. कर्नल इन हरियाणा के अंदर में ये है आपका डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट. एकदम सही बात बोला आपने सभी लोगों ने, वेरी गुड. और ये देखो जो पिक्चर के अंदर में दिखाई दे रहा है जो समिट, डेयरी समिट जो इंडिया में अभी इस ईयर में पालन किया जा रहा है, ये भी आप लोग को दिखाई दे रहा है. तो स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से आप लोग को एकदम ओके सब कुछ, क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर हो चुका है. और सिर्फ 10 नहीं, मैं 10 के साथ साथ 1 से 10 तक जितना सारा क्वेश्चंस होता है आप लोग का स्टैटिक जी के साथ साथ करंट अफेयर्स में सब कुछ आप लोगों को डिस्कस किया. तो किसी को भी कुछ दिक्कत और समझ में नहीं आएगा तो प्रॉब्लम हुआ तो जरूर आप लोग चैट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा. और जो लोग बाद में क्लास को लाइव देखोगे जरूर बाद में आप लोग कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कीजिएगा. ठीक है, तो चलिए हम लोग आ जाते हैं आज की क्लास वर्क के अंदर में. चलिए देखते आज की क्लास वर्क आप लोगों के लिए क्या क्या क्वेश्चन है, चलिए हम लोग देख लेते हैं. चलो भाई आज का 11 अगस्त के क्लास वर्क पे हम लोग आ चुके हैं. इसमें देखिए चारों क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन के अंदर में. इस चारों क्वेश्चंस को आप लोग जल्दी जल्दी जवाब दीजिए क्योंकि इस चारों क्वेश्चंस का किसी को भी कुछ आप लोग को ऑप्शंस नहीं मिलेगा. तो चलिए फटाफट आंसर दे दीजिए क्या होगा. देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है व्हिच स्टेट हेल्ड द मोस्ट नंबर ऑफ सिटिंग द स्टेट असेंबली इन 2021. ये क्या होगा, तो ये आंसर होगा आपका केरला. क्या होगा? केरला होगा, करेक्ट और सही बात, वेरी गुड. आज का क्वेश्चन थोड़ा इजी है. यस यस संजोग, आज का क्वेश्चन थोड़ा इजी है, एकदम सही बात बोला आपने, वेरी गुड. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के टू में है क्या, रिवैम्प द डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम व्हिच वाज रिसेंटली लॉन्च इन इंप्लीमेंट बाय द व्हिच यूनियन मिनिस्ट्री. ये कौन सा मिनिस्ट्री से लॉन्च हुआ है, तो ये होगा आपका यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर. क्या होगा, तो लिखिएगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ पावर. मैं शॉर्ट में एम लिखा, मतलब ये मिनिस्ट्री है. ठीक है, नेक्स्ट है देखिए ऑप्शन थ्री में क्या, पीची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेयर अ न्यू डैम्स फ्लाई स्पीसीज, तो ये वाज स्पॉटेड इन व्हिच स्टेट. ये कहां पर स्पॉटेड हुआ था, कौन सा स्टेट में, तो ये जो स्टेट के अंदर में स्पॉटेड हुआ था ये भी होगा आपका आंसर केरला में स्पॉटेड हुआ था. एकदम सही बात आप लोग ने बोला. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लॉजिस्टिक डेटा बैंक जिसको LDB बोला जाती है प्रोजेक्ट व्हिच वाज सीन इन द न्यूज इज द एसोसिएटेड विद व्हिच मिनिस्ट्री. ये कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर में ये काम करते हैं, तो ये लिखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड. क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड. ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग का आंसर मिल चुका है चारों का आंसर एकदम. तो आज के लिए क्लास इतना ही, कल हम लोग फिर हाजिर हो जाएंगे नेक्स्ट डे को क्लास को लेकर, मतलब 12 आपका अगस्त को क्लास को लेकर एकदम रात को 8 बजे आप लोग आ जाना. अमित सर के साथ साथ ये क्लास जरूर आप लोग लाइव कीजिएगा. ठीक है, तो ये क्लास आप लोग को कैसा लगा जरूर आप लोग कमेंट करके मेरे को बता दीजिएगा. तो आज के लिए इतना ही, सब लोग को टाटा बाय, गुड नाइट. सब लोग अच्छे से रहो, मजे में रहो और सावधान में रहो. टेक केयर स्टूडेंट्स.